सभी लोग बैठ जाएं। कौन कौन रह गया? सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत नामक ग्रंथ की, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री शांत सागर महाराज के आचार्य पद महोत्सव दिवस की, सभी ज्ञान दानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र छात्रागण अध्यापकगण अभिभावकगण अन्य आगंतुक अतिथि एवं सभी अन्य संस्था में कार्यरत सहभागी बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदू। तीर्थंकर लेणी से आए हमारे प्रवीण भैया जी बहुत दिनों बाद आए हैं, आज उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तीर्थंकर लेणी में नैमिनाथ भगवान की गुफा में भैया जी वहाँ पर बहुत लंबे समय से देखरेख कर रहे हैं। हमारा पांडव पुराण का वर्णन चल रहा है, तीर्थंकर लेणी की जो गुफा है उसको भी 5 वर्ष पहले तक लोग पांडव लेणी के नाम से ही जानते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास के गांव वाले हैं, अभी भी उसे पांडव लेणी ही कहते हैं, क्योंकि खड़ी प्रतिमाएं हैं नदी के अंदर इतनी विशाल, हजारों वर्ष प्राचीन, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं। लगभग 2-2.5 हजार साल पुराना वह मंदिर हो सकता है, 2200 वर्ष प्राचीन। तो इतनी इतनी प्राचीन प्रतिमाएं दिगंबर अवस्था में कहाँ से आई? पूर्वाचार्यों द्वारा जो ज्ञान है अरिहंत भगवान महावीर भगवान से, वह कालांतर में लोगों को श्रुत परंपरा से बताया गया। साक्षात में केवली भगवान न होने के कारण से भगवान की प्रतिमूर्ति मूर्ति के रूप में बनाकर के स्थान स्थान पर मंदिरों में स्थापित की गई। वह मूर्ति वह मंदिर हमें उन भगवान की प्रेरणा देते हैं, वह आस्था के केंद्र हमें उन भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए सच्चा मार्ग बताते हैं। यह जिन मंदिर हमें भी एक दिन मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कराने में सहभागी होते हैं। आज यहाँ सुनपुरा में भी जिन मंदिर नहीं होता तो हम क्या यहाँ पर स्वाध्याय कर पाते? मंदिर की वजह से ही विद्यालय चलते हैं, मंदिर की वजह से ही ज्ञान के केंद्र स्थापित हो पाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों आवश्यक हैं। एकांतवाद से मंदिरों को भी नहीं नकारा जा सकता और एकांतवाद से केवल और केवल अध्ययन को भी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे की पूरक है। तो ऐसे तीर्थंकर लेणी क्षेत्र में पांडव जो भगवान हुए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन और उनके समकालीन प्रद्युम्न नैमिनाथ भगवान वसुदेव राजा श्री कृष्ण इत्यादि बहुत सारे लोग
बलभद्र ने, बलराम ने भी बहुत अंत में जाकर के तप किया। ऐसे पांडवों का पुराण सुनने के लिए हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। केवल एकांत से मंदिर को बिना जाने भी पूजा करने का ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। पहले जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि ये मंदिर क्यों है, इस मूर्ति का क्या औचित्य है, ये हमें क्या बताना चाहती है, ये भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बने, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं। कई लोग वर्तमान में मूर्ति पूजा के विरोधी भी हैं, एकांतवाद से। कई लोग मंदिरों को अपशब्द भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ज्ञान में कहीं ना कुछ कमी है। दोनों चीजें जरूरी है। उनके लिए एक बात है साधारण सी कि जैसे पूर्वजों की फोटो होती है, हम लोग अपने बाप दादा की फोटो लगाते हैं तो उस फोटो को भी हम माला टांग देते हैं घर में। तो बस ये मान लीजिए कि हमारे बाप दादा हैं महावीर भगवान। अब फोटो कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलती है फोटो, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल, कहीं कहीं तो 2-4 साल, जब भी अगली बार पुताई होगी तो बेकार हो जाएगी। कभी सीलन आ गई, कभी बारिश आ गया, कभी वो फोटो गिर गई ऊपर से आंधी तूफान में, तो बेकार हो जाती है। तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी अब मंदिरों की फोटो फिर भी लगाते हैं कुछ समय के लिए। परंतु अगर ज़्यादा लंबे समय तक हमें उसको याद रखना है तो इसलिए पाषाण की या धातु की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। उस प्रतिमा में जरूरी नहीं है कि उस समय वो बिल्कुल जैसे दिखते थे वैसे की वैसे ही एज इट इज भगवान या जो भी व्यक्ति रहे हों, जिनकी भी आपने प्रतिमा बनाने की इच्छा प्रकट की है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हों, परंतु उनके गुण वैसे की वैसे ही रहेंगे जो आपको स्वाध्याय से, सम्यक ज्ञान से पता चलेंगे कि भगवान राम ने क्या किया था, पांडवों ने क्या कार्य किया अपने जीवन में, नेमिनाथ ने क्या किया, महावीर ने क्या। जैसे भारत माता की भी तस्वीर बना लेते थे ना क्रांतिकारी, तो चौक से बना ली, दीवार पे बना ली, वो एक स्वरूप दिया है अपनी धरती को, अपने देश को, एक माता का कि ये माता मेरे लिए, ये देश पूजनीय है, वंदनीय है। उसको कैसा भी बना लो, ऐसे ही भगवान की प्रतिमा को भी आप अपने मन से कैसा भी बना सकते हैं। परंतु दिगंबर मुद्रा यदि है तो वह वीतराग मुद्रा है, अरिहंत मुद्रा है, क्योंकि तभी उसके वास्तविक गुणों का प्रदर्शन हो पाए। वस्त्रों के सहित, राग द्वेष के सहित, अन्य व्यवहारिक आडंबरों के सहित वह सच्चा संदेश नहीं दे पाएगा जो उनके वास्तविक गुण हैं। जिस अवस्था में वे अंतिम शरीर में थे उस अवस्था में ही उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। जब उन्होंने ध्यान लगाया, तप किया, जिस अवस्था से अंतिम बार उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया, चाहे वह खड़गासन में हो या पद्मासन में, मनुष्य पर्याय में ही अरिहंत पद को प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य पर्याय में भी पुरुष लिंग से, पुरुष पर्याय से ही अंतिम भव में। स्त्रियों को भी मोक्ष हो सकता है परंतु उस भव में नहीं हो पाएगा क्योंकि वस्त्रों को त्याग नहीं कर सकते और भी शरीर के कारण से कुछ कमियां रह जाती हैं इस कारण से, परंतु मोक्ष की सीढ़ी पर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। पंचम काल की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अवसर्पणी का जो पंचम काल जिसमें हम रह रहे हैं इसमें तो किसी को भी अभी मोक्ष नहीं हो सकता, दोनों लोग एक पायदान आगे
बढ़ सकते हैं उस सीढ़ी पर। तो ऐसे पांडव पुराण को हम लोग सुनने के लिए, पढ़ने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि पांडव क्यों इतने महान हुए, ऐसा उन्होंने उस जीवन में क्या कार्य किया। राजा श्रेणिक के प्रश्नों के उत्तर में गौतम गढ़धर आदिनाथ भगवान की कथा से प्रारंभ कर चुके हैं कि जिस स्थान पर आर्यखंड में हम लोग रह रहे हैं उस स्थान पर बरसों पहले पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए थे। कर्म भूमि की प्रारंभ हुआ था, भोग भूमि का समापन हुआ था उनके पिता नाभिराय। बहुत सारे लोग परेशान होकर के उनके समीप पहुंचे हैं कि कल्प वृक्ष विलुप्त हो गए हैं, हमें भोजन कैसे प्राप्त होगा, हमारे उदर की पूर्ति कैसे होगी, हमारी क्षुधा विपासा कैसे शांत होगी, हमारी वस्त्र मकान आभूषण मालाएं इत्यादि जो हमारी इच्छाएं हैं मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी। अभी तक तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हमारे नगर में स्थान स्थान पर दिखते थे, उनके पास जाते थे, वैसे ही उन्हें हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता था, कुछ कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु अब ये अचानक से धीरे धीरे क्या हो गया। आप ही हमारे सारे की सारे दुखों का निवारण करने वाले हैं। हमने देखा है कि इंद्र भी आपकी सेवा में लगा रहता है, इसका मतलब आप उससे भी श्रेष्ठ हैं। तो अवश्य आप ही हमें कुछ इसका उपाय बता सकते हैं। इस प्रकार से वे सारे की सारे जनता के प्रजा के लोग आदिनाथ भगवान के समीप अपनी व्यथा को लेकर के जा पहुंचे हैं। अब देखते हैं आज के स्वाध्याय में किस प्रकार से आदिनाथ भगवान आदि तीर्थंकर ऋषभ देव अब सर्पणी के चतुर्थ काल के प्रारंभ में किस प्रकार से उन लोगों को संबोधित करते हैं और कैसे उनकी उदर पूर्ति के लिए समाधान निकालते हैं। आज का स्वाध्याय आगे बढ़ाने से पहले कि क्या आदिनाथ भगवान अब उनको कहने वाले हैं, प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग क्या करेंगे, मंगलाचरण। कौन बोला, प्रियंका के लिए तालियां बजाओ, बहुत छोटी सी बहुत अच्छी बच्ची है, इसको पूरा मंगलाचरण याद भी हो गया है और सभी लोग हाथ जोड़ करके सबको याद हो गया हो तो सब छोटे बड़े बच्चे सब साथ में बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सभी श्रोतागण एकदम शांत होकर के एकाग्रचित होकर के आगे का स्वाध्याय सुनेंगे। उन लोगों की करुणा जनक विनती को सुनकर श्री ऋषभ देव का हृदय दया से ओतप्रोत हो गया। अब करुणामयी विनती थी सारे लोगों की कि भाई अगर हम भूखे पेट मर गए तो देखो सुसाइड नोट पर आपका नाम लिख के चले जाएंगे, क्योंकि आप इतने दयालु होने के बाद भी आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, आप कर सकते थे। अब मान लीजिए नीरज भैया जी बैठे हैं और उनके सामने एक पक्षी कहीं से पंखे से कट के आ गया या पतंग के माजे से कट करके आ गया, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, देख रहे हैं उसको, कुछ नहीं कर रहे, पक्षी देख रहा है कि यहाँ कोई बड़ा आदमी बैठा है
मेरी सहायता कर सकता है, परंतु नहीं कर रहा है। आप वैसे खूब प्रवचन देते हैं दया के, अच्छी अच्छी बातें लोगों की, जान बचाओ, भूखों को भोजन खिलाओ, सब करो, पतर प्रत एक पक्षी आ गया, कुछ नहीं कर रहे, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई राहगीर वहां से निकलता है और वो देखता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये बेचारा, इसको कम से कम उठा लें, दवाई लगा दें, कहीं ले जाएं अस्पताल में, कहीं पानी पिलाएं, कुछ तो इसका करें, परंतु नहीं कर रहे हैं। तो किस पे कलंक लगेगा, पक्षी पे कलंक लगेगा या नीरज जी पे कलंक लगेगा? नीरज जी पे कलंक लग जाएगा, क्योंकि ये कर सकते थे, बचा सकते थे, और आराम से बस मूक दर्शक बन करके देखते रहे, कुछ नहीं कर। तो ऐसे ही तुम ऋषभ देव भगवान आप कर सकते हो। हम यहां भूख से परेशान हैं, हम मर जाएंगे, आपकी दयालुता पे कलंक आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक साधारण सा उदाहरण। अब एक दूसरा उदाहरण, नीरज जी बैठे हैं और खूब बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, दया के, अहिंसा के, बड़ी बड़ी बातें सारे जगत में कर रहे हैं, और फिर क्या करा, जब भूख लगी तुरंत कहीं से ऑर्डर दिया कि जाओ चिकन लेकर के आओ, जाओ आज मटन खाने का मन कर रहा है, है? तो कैसे विरोधाभास नहीं हो गया, कलंक लग गया। एक तरफ तो दया की, दयालुता की बातें कर रहे हैं और एक तरफ एक निरीह मूक प्राणियों को भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा आज हो भी रहा है, बहुत सारे धर्म बना दिए गए, मत बना दिए गए, संप्रदाय बना दिए गए, दर्शन बना दिए गए। कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म वर्तमान में पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जो दया की बात नहीं करता है, परंतु दया का शब्दार्थ अपने अपने अभिप्राय से, जैसे जैसे उनके पंडित हैं, जैसे जैसे उसके विद्वान हैं, उन्होंने अपने हिसाब से लगा लिया कि दया का मतलब बस प्रवचन है। किसी ने कहा दया का मतलब बस मेरा खानदान है, उन पर दया कर रहा हूं। किसी ने कहा दया का मतलब मेरा परिवार या खानदान, दया का मतलब जिसमें मैं जिन लोगों के साथ रहता हूं, जिनसे व्यापार करता हूं, बस उनमें करूंगा। और किसी ने कहा कि दया का मतलब केवल मनुष्य है, बाकी तो वस्तु है, जीव जंतु में कोई जीवन नहीं है, वस्तु है। अंग्रेजी में तो बहुत प्लानिंग के साथ में, बचपन से ही, हम जब छोटे थे तभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि थोड़ा बहुत मंदिर जाते थे, माँ बाप लेकर के जाते थे, महाराज जी भी आ जाते थे, समझ में ही नहीं आया पहली कक्षा से। अंग्रेजी में तो ऐसा दिमाग में डाल दिया कि पशु पक्षी और वस्तुओं को इट बोलना है, आईटी है, सुना है आपने इट, इट माने वह, सुना इट, इट सुना होगा ना, इट मतलब निर्जीव, इट मतलब निर्जीव। कितनी प्लानिंग से उन लोगों ने मनुष्य के लिए बोल दिया ही और शी, वह के लिए, और पक्षी के लिए इट फ्लाई, यानी कि वस्तु बना दिया उसको, और वही मेज के लिए, टेबल के लिए भी इट कर दिया, और बर्ड के लिए भी इट कर दिया, डॉग के लिए भी इट कर दिया। क्या कमाल का प्लानिंग करी, यानी कि पहले से ही बच्चों के दिमाग में आ जाए कि ये तो वस्तु है। फिर हम जब थोड़े बड़े हुए तो कभी पर भी कोई अंग्रेजी में वाक्य लिखना होता था तो हम ही और शी लिखने लगे कि गलत करके दिखाओ, फिर हम जवाब देंगे। हमने फिर कभी नहीं लिखा इट, जब थोड़ी सी अकल आ गई कि उसमें तो जीवन है, उसमें जान है, उसके अंदर आत्मा है, तो हम उसको वस्तु के साथ समान कैसे कह सकते हैं। तो प्रसंग है कि कई जगह ऐसे संप्रदाय और धर्म भी बन गए जहां पर उन संप्रदाय के भगवान या जो भी इष्ट देवता या जो भी पूजनीय हुए, वह केवल मनुष्य के लिए दया का भाव रखने लगे और बाकी पशुओं को खाने की, बलि देने की,
मंदिरों में मार करके चढ़ाने की प्रेरणा देने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, अपनी उदर की पूर्ति के लिए जो भी मिले उसको खा जाओ, क्योंकि आप उनसे श्रेष्ठ हो। तो यहां पर उन भगवान के लिए या उन विद्वानों की दयालुता पे कलंक लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पर प्रसंग आया है इसलिए आपको बता रहे हैं कि वह प्रजा के लोग इतनी छोटी सी बात पर भी कह रहे हैं, हे ऋषभदेव, अगर आपने हमें समाधान नहीं दिया तो आपकी दयालुता पे कलंक लग जाएगा। और ऋषभदेव यदि कहते कि तुम तो छोटे मोटे लोग हो, आओ आज आदमी खाने का मन कर रहा है, आज तुम्हें हम खाते हैं, तो क्या होता? क्या बना दिया आज विद्वानों ने बहुत बहुत संप्रदाय में? पशु बलि तो दूर, चलो नर बलि करेंगे। अब आज मनुष्य के मांस खाने का मन कर रहा है, ऐसी भी प्रथाएं आ गई कि नर बलि। तो ये सब दयालुता पे कलंक है। एकमात्र दर्शन जो सुनने में आता है कि जो पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, वनस्पतियों को सबके साथ दया वास्तव में रखता है, उसे कहते हैं प्राणी मात्र पर दया करने वाला धर्म। इसमें मनुष्य की दया नहीं आई, खाली पशु पक्षियों की भी एक पक्ष से दया नहीं आई, केवल देवों के ऊपर दया नहीं आई। कई जगह क्या कहते हैं कि पशु पक्षियों मनुष्यों को कुछ नहीं खिलाएंगे, केवल देवी देव को खिलाते रहेंगे, सारा धन ले जा करके, सारा खाना पीना ले जा करके खाली मंदिर में ही चढ़ा देंगे। तो वो भी हो गए केवल देव पे दया कर रहे हैं, क्योंकि देव हमें देगा बस, हम और देव, बाकी दुनिया जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी नहीं, अपने धर्म में दया धर्म यानी प्राणी मात्र के साथ दया करनी है, अहिंसा करनी है। स्वयं के ऊपर भी दया करो और पर के ऊपर भी दया करो, दोनों के ऊपर। तो ऐसे उस धर्म के देवता पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनको उन लोगों ने बोला कि यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो आपकी दयालुता पर कलंक लग जाएगा। उस प्रसंग से हम वर्तमान जगत में थोड़ा सा संदेश बस ये देना चाहते हैं कि आप लोगों को खुद से सोचना है, विवेक लगाना है। किसी भी मत का, संप्रदाय का, किसी का विरोध नहीं है, परंतु दया जिस धर्म में सभी जीवों के प्रति है वही सच्चा धर्म है। व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, स्थान विशेष, कुल विशेष, इसके प्रति यदि दया है तो वह सच्ची दया नहीं है। कई वर्ष पहले हम थोड़ा बहुत सोशल काम करते रहते थे, तो लॉयंस क्लब के हमें दिल्ली में अध्यक्ष बना दिया गया। ग्रीन पार्क का क्लब था, तो ठीक है भाई, हम भी चले गए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ मीटिंगें दिल्ली वगैरह में हुई, बढ़िया अच्छा लगा, क्योंकि अपना अपना ग्रुप था, तो हमने अपने जैसे लोग ढूंढ लिए थे अपने ग्रुप में, 40-50 अपने मित्रगण और अच्छे अच्छे लोग ढूंढ लिए, बढ़िया लगा साल 6 महीने। फिर एक दिन उनकी मीटिंग सारे सेंट्रल क्लब की लखनऊ में हुई, लखनऊ में भी बहुत बढ़िया से अच्छे किसी मंदिर का ऑडिटोरियम था, बढ़िया, वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग, पूरे देश से बहुत बड़े बड़े लोग आए, ऑडिटोरियम पूरा फुल, हजारों की भीड़, बहुत बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े प्रवचन दिए। हम भी पीछे ऑडिटोरियम में हजारों की भीड़ में छुपे हुए बैठे थे, क्योंकि हमारे जैसे पूरे देश से आए थे। तो अब वहाँ पर देखा कि जो लोग प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन देते देते आंसू भी बहा रहे हैं, भावुकता में, मनुष्यों के प्रति, कुपोषण के प्रति, अंधों के प्रति, विकलांगों के प्रति, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। इतने भावुक हो गए प्रवचनकार कि वो भी आंसू बहा रहे हैं और पब्लिक भी उन्हें देख करके आंसू बहा रही है। हमने कहा बड़ा अच्छी बात है, कमाल है, बहुत अच्छा है, सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जैसे ही 1:30 बजा, बड़ा सा मैदान,
खाना लगा सबके लिए, हम भी पहुंचे कि चलो भोजन खाएंगे। जैसे ही पहुंचे सारे बड़े बड़े आंसू बहाने वाले लोग चिकन मटन ऐसे टूट पड़े कि जैसे सदियों से भूखे हो। मतलब आंसू केवल दिखावटी थे, समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। उसी दिन हमने कहा भैया अब बहुत हो गया, हमें नहीं रहना ऐसे क्लबों में। बस वहां से आने के बाद अपना कि या तो ये प्रथा बंद करो, नौटंकी मतलब कोरी नौटंकी चल रही है दुनिया भर में, केवल दिखावा, वोट बैंक की राजनीतियां, स्टेज पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आंसू, और उसके बाद पब्लिक का हाल कि वो मुर्गा कोई जीव जंतु नहीं है, उसके लिए आंसू नहीं बहा रहे जब चूस चूस के खा रहे हो आप, है शराब पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, बकरे को पकड़ करके धाड़ काटा, और वाह क्या मजा आ रहा है उन लोगों को। समझ में नहीं आया भैया, बिल्कुल विरोधाभास, क्या दया है। उस प्रसंग में बता रहे हैं कि क्या दयालुता है आपकी, स्टेज पे तो कुछ दयालुता है और नीचे जमीन पर बिल्कुल उसका उल्टा, कि ऐसे खा रहे हो कि दूसरे की प्लेट में से भी छीन छीन के लोग खा रहे थे, कि तेरी प्लेट में जैसे कभी कभी खाया ही नहीं हो। अरे भाई पशु पक्षियों पे भी तो दया करो थोड़ी सी, क्या होगा तुम्हारा दिखावटे की दया का। ऐसी हो रहा है सारे संसार में। ये तो एक साक्षात का उदाहरण था, तो हमारे तो वहां पे आंसू निकल गए कि ये हो क्या रहा है, तमाशा है ये दुनिया, एक दिखावे में कुछ और है वास्तव में अंदर कुछ और है। तो दया का मतलब प्राणी मात्र की दया होता है, जैसे ऋषभ देव भगवान यहां सिखाने वाले हैं, जैसे महावीर भगवान ने सिखाई कि दया का मतलब केवल दिखावे में नहीं होना चाहिए, वो अंतरंग से वास्तविकता में होना चाहिए। कि कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी मूक प्राणी हो, छोटा सा पक्षी हो, छोटी सी चींटी भी हो, वह भी जाने अनजाने में मेरे कारण से मृत्यु को या कष्ट को प्राप्त ना हो जाए। छोटा सा मच्छर को भी बचाने का प्रयास करना, ऐसी बात केवल एक भगवान महावीर का धर्म ही बताता है। क्या दिक्कत है शाकाहारी बनने में, कोई नुकसान है क्या? बस जीभ का स्वाद आनंद दिखावा, लेकिन नहीं। तो इसलिए हम आपको यहां पर बता रहे हैं छोटे छोटे से अपने जीवन के कटु अनुभवों से हमने बहुत शिक्षा ली है। हमें किसी ने कभी कहा था, कहीं पढ़ा भी था कि दूसरों के अनुभवों से सीखो, स्वयं के अनुभव से सीखने में उम्र कम पड़ जाएगी। हमने भी अपने माता पिता से, अन्य बड़े लोगों के अनुभवों से, अपने पूर्वाचार्यों से, आचार्यों से, मुनियों से, उनके सानिध्य में बहुत सारी बातें सीखी हैं, उनके सानिध्य में रह करके। तो फिर उसके बाद बहस नहीं करते, अगर महाराज जी के पास कहीं जाते हैं वो कुछ बताते हैं, बेटा मेरे अनुभव से ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है, तुम ये गलती कर रहे हो, तो हम सीख जाते हैं, बहस नहीं करते फिर कि हम अपने अनुभव से ही ठोकर खा के जब 10 साल और निकल जाएंगे, 5 साल और निकल जाएंगे फिर सीखेंगे। थोड़ा सा हाँ उनसे पूछ लेते हैं अगर कहीं डाउट होता है, तो फिर समाधान भी मिल जाता है, फिर समझ जाते हैं कि ये अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये गलती इस प्रकार से करने से भविष्य में हो सकती है। तो हमेशा अगर दूसरों के अनुभवों से सीखते रहोगे, परंतु दूसरों व्यक्ति का चुनाव आपको करना है कि वह व्यक्ति कौन है, वह सम्यक चारित्र का पालन करने वाला है तो अच्छा है, और दूसरे का अनुभव अगर वैसे सामाजिक लोगों का अनुभव है वो आपको तो नीचे ले जाएंगे, वह खाली काम धंधा रुपया पैसा अलग गलत चीजें भी सिखा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर दूसरों का अनुभव से तात्पर्य है जिनवाणी या पूर्वाचार्य या संत पुरुष, सदपुरुष, महाराज, अच्छे आचरण का धारण करने वाले, आपके अभिभावक, आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, ऐसे दूसरों को चयन करना आपके ऊपर है कि किसके अनुभव से सीखें। दूसरे का मतलब ये नहीं है कि किसी के भी अनुभव से सीख लो, वो तो अपने हिसाब से आपको अनुभव देगा, वो कहेगा देखो पीने के बाद क्या आनंद आता है, यहीं पे स्वर्ग नजर आ जाता है, तो उनके अनुभव से नहीं सीखना है कि एक बोतल उनके साथ एक पैक लगा लिया, क्यों भैया जी पिए कभी आपने, अभिषेक भैया जी, तो दूसरों के अनुभव से मत सीख के पी लेना,
कि कहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए चक्कर में पड़ रहे हो, दो पैक लगा लो यही मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तब पीने वाले थे लेकिन मैंने कहा धर्म जाएगा या पथरी जाएगी, इसलिए मैंने नहीं पी। क्या पथरी की वजह से किसी ने? शुरू में तबीयत खराब हो रही थी, लोगों ने कहा इस शराब से ठीक हो जाती है काय को। अच्छा भैया जी कह रहे हैं पथरी हो गई थी तो किसी अनुभवी व्यक्ति ने कह दिया कि शराब पीने से बेटा पथरी दूर हो जाएगी। हमने कह दिया या तो पथरी से मर जाए लेकिन शराब नहीं पिएंगे। बहुत सुंदर अभिषेक भैया जी के संकल्प के लिए। संकल्प जी बगल में बैठे, इन्होंने संकल्प कर लिया। देखो चलो, अब हमने छोटी सी बात बताई है दया क्या होती है। तो ऐसे आपको स्वयं चयन करना है कि वास्तविक दया हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों की करुणाजनक विनती को सुनकर ऋषभ देव भगवान दया से ओतप्रोत हो गए कि भाई ये मेरे से मूक हैं, छोटे हैं, इनको कैसे बचाया जाए। विपन्न को देख करके हृदय में दया उत्पन्न हो रहा स्वाभाविक। इसलिए इतना सारा संदेश बताया क्योंकि आज का अध्याय दया के ऊपर ही है। तो वास्तविक दया आपको ध्यान रखनी है, केवल व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, कुल विशेष के ऊपर दया का कोई फायदा नहीं है। एक तरफ तो एक पे कर दोगे, दूसरे का नुकसान कर दोगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कोरोना के समय में भोजन खिला रहे थे, खूब बढ़िया से खूब स्टॉल लगाया, खूब भोजन खिलाया, पैकेट में क्या दे रहे थे, अंडा दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं। अरे एक पे दया कर रहे हो, एक को मार रहे हो, फायदा क्या है? जितना पुण्य नहीं मिला उससे कई हजार गुना ज्यादा पाप कमा लिया। इससे बढ़िया अपने घर में शांति से बैठो। हम लोगों ने भी भाई सब लोग कर रहे थे तो 2 महीने तक इंदिरापुरम में लगाया भंडारा, पैकेट वगैरह बनवाए, परंतु एक विशेष बात का ध्यान रखा कि भाई शुद्ध जैन वीगन भोजन बनवाया, क्योंकि बाजार के दूध में तो इतनी हिंसा होती है। बिना केमिकल का शुद्ध भोजन बनवाया। हमारे राजेश भैया जी बनाते थे बढ़िया से, रोज भंडारा लगाते थे, राजेश जी है ना, खूब बढ़िया। उन्होंने 2 महीने खूब वहीं पर पूड़ियाँ खिलाई, खूब रोटियाँ बनाई, शुद्ध बनाया। अगर आपको दान करना भी है मनुष्यों को तो ये ध्यान रखिए कि वो अभक्ष नहीं हो, क्योंकि आपने जितना उससे पुण्य कमाया उससे ज्यादा पाप लगा लिया। अभक्ष पदार्थ नहीं होना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए। जो आप स्वयं खाते हो वैसा ही भोजन आपको दूसरे को देना है। भले ही आप दावत भी देने जा रहे हो शादियों में, तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि आपने 500 लोगों को 400 लोगों को भोजन करा दिया, जितना आपको फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा 500 लोगों का आपने अभक्ष भोजन स्वयं खा लिया, अनुमोदना से, कृत कारित से कराया, अनुमोदना करी। तो शुद्ध भोजन का ही आपको न पाप लगेगा, अदरवाइज तो पाप ज्यादा लग जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा यहां पर आचार्य शुभचंद महाराज ने, गौतम गढ़धर बता रहे हैं उनकी वाणी से राजा श्रेणिक के लिए, कि विपन्न को देख करके, यानी कि विपत्ति में किसी को भी देख करके जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य की बात हो रही है, हम में भी दिखने में बहुत सारे मनुष्य होते हैं, परंतु उस मनुष्य की शरीर में कुछ दैत्य भी होते हैं, कुछ देव भी होते हैं, भगवान तो नहीं कह सकते, यानी कि जो अच्छे सत्पुरुष हैं और कुछ दुष्ट हैं। तो जो साधारण मनुष्य है वो दूसरे को विपत्ति में देख करके दया उसके मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और वे तो स्वयं ऋषभ देव भगवान थे। तब श्री ऋषभ देव ने कहा, इस भूतल पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। बच्चों ये कल्प वृक्ष चले गए, कोई बात नहीं, ये पेड़ पौधे थोड़ी नहीं चले गए, पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थी, परंतु उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पहचान ही नहीं थी। अब जब तक भैया जी को पथरी नहीं हुई थी तब तक इनको जिस पौधे से दूर होती उस पौधे की पहचान थी क्या? है अभिषेक भैया जी, कैसा पौधा था? बेकार पौधा है ना, जंगली पौधा। जब तक उस पौधे की पहचान नहीं है वो वेस्टेज है, चलो उखाड़ के फेंक दो, बंजर है, बेकार कर रहा है, हमारी जगह को खराब कर रहा है। तो अब ना उन लोगों को जरूरत थी ना उससे उन्हें कोई दिक्कत थी। तो अब ऋषभ देव ने कहा, बच्चों कल्पवृक्ष चले गए कोई बात नहीं, एक चीज जाती है प्रकृति में, दूसरी चीज अपने आप से पहले से होती है, बस आपको उसकी पहचान करना होता है। एक बोलते ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है, कोई चीज चली गई तो दूसरी चीज आ गई,
लैंडलाइन फोन होते थे 10-15 साल पहले, चले गए, अभी भी कहीं कहीं पर हैं, तो मोबाइल आ गए ना आ गए हैं। अब बिजली विद्युत आ गई तो उससे पहले दीपक लालटेन 50 चीजें होती थी। गाड़ी आ गई, गाड़ी से पहले साइकिल, बहुत सारे दूसरे पशु पक्षियों के वाहन हुआ करते थे, बैलगाड़ी वगैरह। ट्रैक्टर आ गए, उससे पहले बैलगाड़ी थी, मतलब एक फेस होता है, उसमें जो अपने आप को उस फेस में ढाल लेता है वो जीवित बना रहता है, जो नहीं ढाल पाता है वो फिर आउटडेटेड ऑब्सोलीट कहलाता है, पुराना हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। कल नीरज भैया जी से बात हो रही थी शाम को कि समय के अनुसार अब कंप्यूटर आए बहुत सारी कंपनियों में, सरकारी दफ्तरों में भी आ गए, बहुत सारे बैंक कर्मचारी परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ सा आ गया, समझ में ही नहीं आ रहा, अब तक तो मैनुअल बना रहे थे, ये कौन सा चक्कर है भाई। तो जब लगा कि नौकरी की बात आ गई है, अब नए नए बच्चे नौकरी पे आ जाएंगे और तुम्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, घर जाओ, तो सारे के सारे सरकारी लोगों ने 50 की उम्र में, 55 की उम्र में कंप्यूटर चलाना सीख लिया। 10 साल पहले एक MCA करके नई नई वेबसाइट आई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, सारे के सारे पुराने लोग ROC का काम करते थे, कंपनी वगैरह का काम, सरकारी ऑफिस दिल्ली में, उन्हें समझ में नहीं आया कि भैया अभी तो सॉफ्टवेयर आ गया, कंपनी अब ऑनलाइन बना करेगी, बड़ी दिक्कत आ गई। अब CA लोगों को पकड़ पकड़ के वो सारे सरकारी लोग बुलाते थे कि 100 रुपये लो, उल्टे देते थे कि हमें कंप्यूटर सिखा दो, नौकरी बनी रहेगी। तो बहुत सारे हमारे मित्र वगैरह जा जाके फोन पे जा जाके उनको सिखाते थे, और सब लोगों ने, सारे सरकारी लोगों ने, सारे CA लोग, एडवोकेट लोग, सब ने कंप्यूटर चलाना सीखा, क्योंकि भाई फेस आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके अनुसार ढालना है, नहीं ढालेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। मोबाइल आया, लोगों ने चलाना सीखा, क्योंकि अब चीजें चेंज हो रही हैं, संदेश का नजरिया चिट्ठी पत्र से अब ईमेल पर होगा, सोशल मीडिया पर होगा। तो ऐसा ही आदिनाथ भगवान वहां बता रहे हैं कि भाई अब लॉटरी वाला काम नहीं चलेगा, गए खड़े हो गए और कल्प वृक्षों से मिल गया, अब ये जो पेड़ है ना बेटा, इनकी पहचान करनी पड़ेगी, तुमको खुद करनी पड़ेगी, जो नहीं करेगा, जिद्दी बन करके रहेगा, तो उसको साइड में कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो जाएगा, है ना, मैनेजर से चपरासी बन जाएगा, भाई चल गेट पे डंडा लेके बैठ। तो इसलिए जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से जितना हो सके उतना स्वयं को ढालना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान ने क्या कहा कि बेटा सुनो, इस भूतल पर अब कल्प वृक्ष चले गए कोई बात नहीं है, बहुत सारे अभी भी ये पेड़ है, मैं बताता हूं कि कौन सा पेड़ किस काम आता है। अब मैं बताता हूं, मैं धीरे धीरे कालांतर में हमारे पास रोहिता जी जैसे लोग आ गए जो बताते हैं, कहीं पर भी चले जाए, ये पत्ता इस चीज का है, ये पेड़ इस चीज का है, इससे ये दवाई बनती है, इससे ये बनता है, तो ये कहां से आया इनको इतना ज्ञान। कल हमने देखा भैया जी के पास एक ग्रंथ रखा था, कल्याण कारकम है, उग्रदत्त आचार्य द्वारा रचित कल्याण कारकम, जब खोल करके देखा तो भाई दिगंबर आचार्य ने लिखा है, और सारे सबसे पहले नमस्कार किसको किया, महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को, पूरा प्राकृत का ग्रंथ। उस ग्रंथ के माध्यम से चरक संहिता बनी, फिर पतंजलि, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, और सबसे पुराना ग्रंथ किसका, दिगंबर आचार्य, उग्रदत्त आचार्य, उन्होंने कहां से लिखा, भगवान महावीर की वाणी से लिखा, सारी औषधियां उस इतने मोटे ग्रंथ में। हमें अंकुर भैया जी हैं, उन्होंने ला करके गिफ्ट किया था, आचार्य शुद्ध सागर महाराज ने हमें उस ग्रंथ के बारे में बताया था, बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसको भी आयुर्वेद में रुचि है, दिगंबर आचार्य द्वारा रचित सबसे प्राचीन ग्रंथ, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो वह सब परंपरा कहां से आई, वही आदिनाथ से चल रही है, वो बता रहे हैं आज आज के स्वाध्याय में कि बेटा पेड़ों की पहचान करो, उनमें अनेक प्रकार के गुण हैं, तुम उन्हें लेकर के उपयोग में लाओ। ये तुम्हें जो लग रहा है ना, ये आम लटक रहा है, ये सेब लटक रहा है, तुम्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले कल्प वृक्ष से सारा काम हो रहा था, है ना। तो अब उन्होंने बताया कि इनकी पहचान करो, इनमें बहुत गुण हैं,
और उनको तरह तरह से उपयोग में लाओ, किसी को औषधि के रूप में, किसी को प्रतिदिन के भोजन के रूप में, किसी वृक्ष से मकान बनाने में, किसी वृक्ष से कपड़ा बनाने में। अब कपड़ा बनता है काय से बनाए जो हमने पहन रखा है, पेड़ से ही बना है। कपास से, कपास क्या है, वृक्ष से ही मिला है। ये जो कागज दिख रहा है आपको सामने, ये काय से बना है, ये भी पेड़ से बना है। ये जो लकड़ी दिख रही है ये काय से बनी है, ये भी पेड़ से बनी है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पेड़ से प्राप्त नहीं होती। ये भी जो रखा है जिस पे हम ग्रंथ रखते हैं, ये भी वृक्ष की ही देन है। बस पहचान करनी है कि किससे क्या करना है। तो ये सब पहचान उन्हीं आदिनाथ भगवान ने बताई। वृक्षों में भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके फल भक्षण करने के योग्य नहीं है। अब ये भी बता दिया कि भाई सारे नहीं खाने तुमको, कुछ जहरीले भी हैं तुम्हारे लिए, कुछ अन्य जीवों के लिए, एक इंद्रिय पर्याय के जीव खाएंगे, कोई पशु पक्षी खाएंगे, उनकी उनकी दृष्टि से है। अब सांप बिच्छू जो चीज खा सकते हैं आप तो नहीं खा सकते, हम तो नहीं खा सकते मनुष्य। तो मनुष्यों के हिसाब से सारे की सारे वृक्षों पे जो फल लग रहे हैं वो खाने के लिए नहीं है बेटा, है ना। जैसे कई वृक्षों में जो फल है उनमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वो नहीं खाने हैं। इसलिए पहले तुम उन वृक्षों का उपयोग करो जो गुणकारी हैं, जिनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, उनका उपयोग करो। देखो अब पूरा की पूरा वृक्षों के बारे में बता रहे हैं आदिनाथ भगवान, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमारे रोहतास जी के इंटरेस्ट की वस्तु आने वाली है। वृक्ष, बेल एवं तृण, ये तीन प्रकार की वनस्पतियां हैं। पहले भी आपको कई बार बताया है, प्रथमा नियोग में केवल कहानी कहानी नहीं होती है, बहुत सारा अंतर्निहित सारा ज्ञान भरा होता है और बहुत विस्तृत रूप में होता है। जब जिनवाणी वहां पर द्वादशांग समोसरण में होती है, ये तो सारांश रूप में हमारी बुद्धि की अपेक्षा से समरी बनाई गई है, छोटी छोटी सी कुंजी, सारा ज्ञान वहीं से आता है। वृक्ष माने पेड़, बेल, बेल क्या होती है, ये जैसे लपेट देते हैं ना कुछ ऐसे करके, ये क्या कहलाती है, बेल, जैसे तोरई की बेल। और कौन सी बेल होती है रोहिता जी, घिया लौकिया की, गिलोय, हाँ गिलोय लपेट जाती है पेड़ पे, तो जो लपेट जाती है सांप की तरह उसको बोलते हैं बेल। और वृक्ष जो सीधे खड़ा हो जाता है। और तीसरा तृण, तृण माने घास, जैसे चरी लगाते हैं ना अपन जानवरों के लिए घास की तरह से, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से बड़ा पेड़ नहीं है परमानेंट ज्यादा लंबे समय तक, ये कुछ समय के लिए आएगा। तो इसको किसमें डाला, तृण, और एक डाला बेल। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की वनस्पतियां, वनस्पतियों के आदिनाथ भगवान ने तीन भेद किए। कौन कौन से भेद, वृक्ष, बेल एवं तृण, ये तीन प्रकार से सारी वनस्पतियों को बांट दिया गया। उनमें भक्षण योग्य एवं अभक्ष्य, ये दो प्रकार के फिर से भेद किए। अब तीनों वनस्पतियों में सारी नहीं खा सकते हो आप, कुछ खाने योग्य हैं, कुछ नहीं खाने योग्य हैं, ये दो प्रकार से फिर भेद किए। अब वृक्षों में पहला कौन सा है तीन में से, वृक्ष। वृक्षों में निम्नलिखित वृक्ष आदि के फल भक्षण योग्य समझना, कुछ सैंपल पे बता दिए, इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं कि किन किन के फल खा सकते हो, देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ज्यादा झगड़ा मत कीजिएगा कि ये खाना है कि नहीं खाना है। आचार्य शुभचंद्र आचार्य ने लिख दिया है, ठीक है, पूर्वाचार्यों से परंपरा से आया है, देख लो भाई साहब क्या क्या खा सकते हैं, भक्षण योग्य कौन से फल खा रहे हैं, जो पेड़ है ना उस पर फल लगते हैं, और जो मक्का हुई, बाजरा हुई, गेहूं हुई, ये तृण में लगते हैं, इसमें अनाज लगेगा, और बेल में अलग अलग तरह की सब्जियां लग गई या औषधियां लग सकती हैं। औषधियां तो तीनों में हो सकती हैं अपने अपने जरूरत के हिसाब से। कौन कौन से फल आप खा सकते हो, सबसे पहले नंबर पे लिखा है हमारा फेवरेट, कौन बोला, कौन बोला, क्या बोले, आम, ताली बजा दो। आपको कैसे पता हमारा फेवरेट, आपको कितने बताया, आदिनाथ भगवान का भी फेवरेट है आपका भी फेवरेट। फलों में सबसे पहले आया आम, इसीलिए इसको फलों का राजा बताया, हमें बहुत पसंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है नाली वेद,
इसका मतलब हमें नहीं पता, रोहिताज बताएंगे। दूसरा फल है नाली वेद, वर्तमान में क्या कहते हैं इसको बताओ, पता करना रोहिता जी, आपका होमवर्क है। कोई और? नाली वेद, नाली वेद, चलो पता करेंगे, ध्यान रखना इसको, नोट कर लो कहीं कॉपी पे। जो लोग भी वीडियो सुन रहे हैं अगर उनको पता नाली वेद का मतलब तो वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं, कमेंट डाल करके हैं। नाली वेद, चलो पता करेंगे। इसके बाद तीसरा फल आया नींबू, ये भी हमें बहुत पसंद है, नींबू भी खा सकते हो संकल्प जी, नींबू भी तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आया नारियल, श्री फल नारियल, चौथे नंबर पे क्या आया, श्री फल, श्री फल। शायद हो सकता है नाली वेद भी नारियल से रिलेटेड कुछ हो, क्योंकि नाली केर करके जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो नाली केर लिखा रहता है उसमें, नाली केर रस, हरे वाले को शायद नाली वेद बोलते हो, और यहाँ पे श्रीफल हो गया जो सूखा नारियल उसको बोलते हैं। उसके बाद आया आंवला, आंवला भी देखो कितनी अच्छी अच्छी औषधियाँ आ रही है रोहिता जी, पढ़ो। उसके बाद बेर, फिर कैंत, कैंत क्या होता है, कैंत, अच्छा बेल पत्थर होता है क्या, कैंत आया। फिर आया तेंदू, तेंदू क्या होता है, तेंदू, तेंदुआ नहीं तेंदू, ये सारे कई सारे पुराने नाम हैं ढूंढने हैं, या अलग अलग प्रांत में अलग अलग स्थान पर होते होंगे। फिर आया कमरख, कमरख भी बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा होता है, स्टार की तरह से लगता है वो, खाया किसी ने कमरख, कमरख किसने नहीं खाया कमरख, क्यों, यहाँ तो होता है, रोहिता जी आपने तो खाया होगा कमरख, अपने यहाँ तो बहुत होता है, ऐसा लंबा सा होता है हरे रंग का और पकने के बाद थोड़ा येलो हो जाता है, हाँ उसको सब्जी भी बनती है, मीठा हो जाता है पकने के बाद, हरा जब होता है तो हरा, और स्टार की तरह से ऐसे चार उसके वो निकले रहते हैं कोने, बहुत खट्टा बहुत अच्छा लगता है, आंवले की तरह नींबू की तरह, अचार भी बनता है सब्जी भी बनती है, कमरख। फिर बोला नारंगी, नारंगी माने संतरा, ऑरेंज। फिर बोला मधु पुष्प, मीठा कोई पुष्प, मधु पुष्प है, मधु पुष्प का मतलब शहद से मत लगाना, शहद तो अभक्ष होता है अपने यहाँ, मधु पुष्प। फिर बिजोरा, बताते जाओ क्या होते हैं, हमें मालूम नहीं है ज्यादा, ये पता है मधु पुष्प, मधु पुष्प एक औषधि भी आती है। फिर केला, केला तो खाते हैं अपन है खूब। फिर जाम्बू, जाम्बू क्या होता है, जामुन, जम्बू वृक्ष, जम्बू द्वीप। फिर चिरौंजी, चिरौंजी भी बढ़िया चीज है, इसके आगे लिख दिया आदि वृक्ष, है ना, यानी कि चिरौंजी आदि जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह के हो गए, इस प्रकार के बहुत सारे वृक्ष हो गए। उसके बाद बेल, ये कुछ उदाहरण दे दिए फलों के वृक्षों के, फिर लता और बेल एक ही बात होती है, लताएं भी लिखा है बेल के साथ में, लताएं में क्या है, कुशमांडी, कुशमांडी क्या होती है ये भी पता करो। फिर दाख, दाख क्या होता है, आख को बोलते हैं क्या, दाख किसमिस को बोलते हैं, अच्छा चलो दाख। फिर चरमटा, चरमटा भी होता है, चरमटा लता होती है, सबकी फोटो लगाएंगे यहां पर, ये सारी लताएं खा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा था तृण, अब तृण में देखिए क्या क्या आ रहा है, उसको बोला वही सारे के सारे अन्न हो जाते हैं, जो तृण है ना उन्हीं को अपन अनाज बोलते हैं, ये आज पता चला हमें भी, जितनी भी घास फूस है ये सब अनाज है। देखो उदाहरण दिए इन्होंने, गेहूं एक तरह की घास निकलती है तो तृण बोला, चावल वो भी घास निकलती है, मूंग वो भी ऐसी होती है, उड़द, सरसों, कोदो, कोदो क्या होता है,
कोदो मोटी रोटी बनती है भैया जी के एमपी में, कोदो बोलते हैं, मसूर, चना, जौर, ज्वार आदि अन्न जो तृण है एक तरह से, उनके ऊपर घास ही पहले निकलेगी, फिर कुछ समय बाद कुछ बालियां निकलेंगी, है ना, सरसों की, मूंग की, उड़द की, अरहर की और बहुत सारी, मोठ की, है ना, गेहूं की, चावल की, ये सब क्या कहे, अनाज या अन्न कहा इनको, तृण क्षुधा निवारण के लिए उपयोग में लाने चाहिए। ये उदाहरण क्या है, इन सब से आपकी भूख मिट सकती है, ये सब आप खा सकते हैं। कल्प वृक्षों की जगह विकल्प बता रहे हैं, जैसे मैनुअल अकाउंटिंग की जगह कंप्यूटर आ गए, है ना, समझ रहे भैया जी बात को। अब ये वीडियो आ गई, ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, कि वर्तमान में अगर ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाना है, बुरा संदेश तो सोशल मीडिया वीडियो में खूब आ रहा है, तो अच्छा संदेश भी पहुंचना चाहिए ना बराबर करने के लिए, तो इसलिए उसके हिसाब से अब यहाँ पर वीडियो भी भैया जी डाल रहे हैं, क्या दिक्कत है, बैलेंस करने के लिए। अन्न आदि के भेदों को समझाकर अब आदिनाथ भगवान ने, अभी भगवान नहीं बने, अभी गृहस्थ में ही है, उनको पकाने की रीति भी समझाई। पहले समझाया क्या क्या खाना है, फिर समझाया कैसे उगाना है, और फिर समझाया बेटा पकाना कैसे, गेहूं उगा तो लिया, खाओगे कैसे, रोटी बनाना किसने सिखाया, मम्मी ने, मम्मी को किसने सिखाया, सासू ने, उनको किसने सिखाया, उनकी मम्मी ने, तो आपको किसने सिखाया, उन्हें उनको किसने सिखाया, आदिनाथ भगवान ने। ये रोटी बनाने की परंपरा किसने सिखाई, संकल्प भैया जी अगर शुरुआत से देखेंगे तो आदिनाथ भगवान ने, दादा गुरु तो वही है, क्योंकि भाई दयालुता दिखानी है ना, इतने सारे लोग हैं, उनको तरीका बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए बैठ के रोटी नहीं बनाऊंगा, कि भैया अपने आप बनाओ, तरीका बता रहा हूं, आ जाओ सुन लो, है ना, लेक्चर दे देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं, बता देता हूं, एक दो बार बोलोगे तो एक दो बार एक आदमी खड़ा करके सिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे बनाना है, शेफ बोलते ना, शेफ या शेफ क्या बोलते हैं, वो सिखा देगा आपको, लेकिन बनाना तो बेटा खुद ही पड़ेगा। और फिर बाद में लोगों को देखो शादियां इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि बीवी बना के खिलाएगी बढ़िया बढ़िया तो इसलिए सारी प्रथा उन्होंने शुरू कराई। साथ ही मिट्टी आदि के पात्रों में रखकर उनके उपयोग की विधि भी भली भांति समझा दी। और ये भी उन्होंने बताया कि उस समय के हिसाब से कि कैसे उसको मिट्टी के पात्रों में अगले वर्ष तक, अगले 6 महीने तक, अब गेहूं उगे, दाल होगी, भाई संभाल के कैसे रखोगे, कीड़े वगैरह नहीं लगे, खराब नहीं हो, वो सारी विधि भी आदिनाथ भगवान ने सिखाई कि कैसे उसको, आप लोग रखते हैं ना अपने अनाज वगैरह को पात्र में संभाल करके, रोहितास भैया जी वो मिट्टी के पात्रों में बीज रखते हैं, 3 महीने बाद बोना है, 6 महीने बाद बोना है, किसने सिखाया, आदिनाथ भगवान ने, है ना, वो तो इंटरनेट पे सीख लिया, अखबारों में सीख लिया, कोर्स आपने कर लिया डॉक्टरी का, वहां पर तो बाद बाद में सिखाया चैन में, लेकिन प्रारंभ किसने किया, अभी के अभिप्राय से आदिनाथ भगवान ने इस अवसर पर निकाल से। इसके बाद असी, बोलो असी, मसी, कृषि, विद्या, व्यापार एवं पशुपालन, इसको 6 अन्य रूप में भी बोलते हैं, असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, कला और शिल्प, ऐसे भी बोल देते हैं। यहां पर एक आया पशुपालन, असी में आ गया क्षत्रियों को, भाई जो युद्ध युद्ध लड़ेंगे अपने, युद्ध इसलिए नहीं कि जाओ और जाकर के कहीं कब्जा कर लो, जैसे रसिया कर रहा है ना यूक्रेन पे, ऐसे नहीं, युद्ध इसलिए कि किसी दूसरे ने आक्रमण किया है तो अपने को बचा लो, ढाल तो सीखना तो पड़ेगा ना। असी, मसी, है, हाँ, कृषि, कृषि में हो गया खेती बाड़ी, अभी अनाज कैसे उगाना है, फिर औषधियां कैसे लगानी है, फलों के पेड़ कैसे लगाने, विद्या, विद्या को कला भी बोलते हैं, 72 कलाएं सिखाई अलग अलग, शिल्प कला, कपड़े बनाने की कला, है ना, आप पंखा बनाते हैं इसकी कला, है ना, हजारों तरह की, उसके अंदर भेद प्रभेद सारी कलाएं,
संगीत की कला, नृत्य की कला, डॉक्टरी की कला, है ना, ज्योतिष की कला, वास्तु की कला, बहुत सारी कलाएं सिखाएं। व्यापार वाणिज्य में आ गया, कैसे भाई बिजनेस करना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे क्रय विक्रय करना है, किस किस वस्तु का करना है, कैसे उसकी फैक्ट्री लगानी है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, कैसे प्रिंटिंग करनी है, कैसे कागज़ बनाना है, कैसे ये बनाना है, कैसे चश्मा बनाना है, कैसे कपड़े बनाने, ये सारा व्यापार भी किसने सिखाया? क्यों, क्या नाम है आपका भैया? मयंक जी, आदिनाथ भाई, याद रखना, है ना, जो आप भी काम कर रहे हो पशु पक्षियों को, जो भी चीज़ें, सब किसने सिखाई? सब आदिनाथ भगवान की देन है, इसलिए हमेशा बोलते हैं आदिनाथ भगवान की जय। फिर उसके बाद वर्तमान में अंत में महावीर भगवान ने बताई कि वो क्या क्या सिखा करके गए थे। इन षट कार्यों को, षट माने छह, इन छह कामों को ऋषभनाथ ने उपदेश दिया। इसके पश्चात अपने भरत आदि 100 पुत्रों को, तब तक उनके सुनंदा और यशस्विनी, जिनको नंदा सुनंदा भी बोलते हैं, भरत बाहुबली 100 पुत्र एक तरफ एक अलग, और ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां, ये सब भी हो गए धीरे धीरे। तो इन सबको 100 आदि भरत पुत्र जो थे, भरत चक्रवर्ती बाहुबली तथा ब्राह्मी एवं सुंदरी नाम की दोनों कन्याओं को विद्या अध्ययन कराया, अपनी दोनों बेटियों को, भरत बाहुबली की भाई अलग अलग थे, एक एक माँ से बाहुबली थे, बाकी से भरत आदि 100 एक साथ थे, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ब्राह्मी और सुंदरी और एक से भरत आदि 100 और एक बाहुबली, इस प्रकार से। तो यहां पर ब्राह्मी और सुंदरी को भी सिखाया, ब्राह्मी को लिखना पढ़ना सिखाया और सुंदरी को संगीत इत्यादि सिखाया, ऐसा वर्णन आता है। इसीलिए तब से जो लिपि प्रारंभ हुई उस लिपि को बोलते हैं ब्राह्मी लिपि, वो भी आप लोगों को सिखाई गई है यहाँ पर। अब आपका प्राकृत जब हो जाएगा तो ब्राह्मी भी एक बार पुनः हम भी सिखाएंगे, हमने सीखी थी ब्राह्मी लिपि, मुनि श्री हनुमान सागर महाराज हमारे गुरु, उन्होंने बहुत स्नेह के साथ हमें एक माह तक ब्राह्मी लिपि सिखाई, उसका पूरा अध्ययन कराया। कुनकुन भारती में हमने बोर्ड लगा देखा था ब्राह्मी का, तो रुचि बनी थी कि ये भाषा सीखनी है, तो आचार्य सुख सागर महाराज जी के उपकार से हनुमान सागर महाराज जी ने हम प्रवीण जी, वर्षा भाभी और एमपी जनकलम 5-6 लोग जाते थे, सबको रोज उन्होंने बुला बुला करके ब्राह्मी भाषा सिखाई। हनुमान सागर महाराज जी यहाँ पे आए थे ना, एकदम एक्सपर्ट हैं ब्राह्मी में। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में नाभी राजा ने श्री ऋषभनाथ को राज्य सिंहासन पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक किया। अब नाभिराज कौन थे? आदिनाथ भगवान के पिता। वो अब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, उनने कहा अब भैया टाइम आ गया मेरे बच्चे, अब तुम संभालो गद्दी, हम चले। कहाँ चले? मोक्ष मार्ग पर। नाभिराय जी भी भगवान बनने के लिए चल पड़े। हम बद्रीनाथ गए थे, प्रमुख सागर महाराज जी थे तब वहां पर नाभिराय भगवान के चरण थे बद्रीनाथ के पास, नाभिराज भगवान के ऊपर पहाड़ पर लेके गए महाराज जी, वहां चरण बन रहे थे, आज भी हैं। अष्टापद बोलते हैं उसको, कैलाश पर्वत का ही बहुत बड़ा स्वरूप है जो बद्रीनाथ केदारनाथ तक आया है। तो वहां पर ऐसे नाभिराज भगवान के चरण हैं, तो उसके दर्शन करा के ले गए, अपनी तो हालत खराब हो गई थी, बहुत ऊपर खतरनाक पहाड़ है, पता नहीं कैसे तो बनाया कैसे, लेकिन है। और भी कई महाराजों के हैं वहां पर जो उस समय के रहे होंगे, अब वही स्थान था कि नहीं था वो कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि करोड़ों वर्ष निकल गए, परंतु जो भी श्रावक जन आते हैं वह ऐसे ऐसे उस स्थान के हिसाब से वह चीजें वहां बनाते हैं। तो नाभिराज भगवान कहां निकल गए? राज्य अभिषेक कर दिया। किसका कर दिया?
आदिनाथ भगवान का कि तुम अब बेटा राजगद्दी संभालो, अब हम जा रहे हैं। राज्य कार्य को संभालते ही उन्होंने इंद्र को आज्ञा दी कि वह विधेय क्षेत्र की भांति यहां भी देशों की रचना करे। अब गद्दी मिल गई, इंद्र उनका कौन है, असिस्टेंट है, पीए है। देखो ऋषभदेव भगवान के ठाट, इंद्र को आज्ञा देते हैं। प्रवीण जी आप किसको आज्ञा दे के आए हो वहां पर? देखो ऋषभदेव बनो, पुण्य कमाओ, तो इंद्र को आज्ञा दे रहे हैं कि देखो भाई इंद्र है कि भाई देखो अयोध्या नगरी आपने बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा करो कि जैसे विदेश क्षेत्र में नगर होते हैं ना, वैसे ही यहां पर अब तुम देश बनाओ, ऐसी उन्हीं नामों से सुंदर सुंदर सारा सिस्टम बनाओ, बढ़िया से सड़कें हों, बढ़िया बढ़िया महल हों, सारी वनस्पति सब गार्डन वार्डन बढ़िया हों, हर चीज एकदम सुव्यवस्थित हो। तो इंद्र को बोला, श्री ऋषभनाथ की आज्ञा का पालन करने के लिए, अब आज्ञा ऑर्डर मिले जो हुक्म मेरे आका। इंद्र ने क्या कहा, जैसे जिन्न बोलता है ना, जो हुक्म। इंद्र ने कौशल मगध आदि देशों की रचना करी और साथ ही उसमें सारी की सारी सिस्टमेटिक व्यवस्था भी कर, मगध राज्य बनाया, कौशल राज्य बनाया, ऐसे बहुत सारे देश बनाए जिसके चतुर्दिक बाढ़ थी। अब देश क्या होता है, देखो यह भी सीखने की चीज है। सुबह शांति धारा में पढ़ते हैं अपन भैया जी, अभिषेक जी शांति धारा में पढ़ते हैं, नाम आ रहे हैं। एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्रथमा नियोग की, देश क्या होता है। अब क्या करा, दिल्ली अपन नोएडा में रह रहे, अरे सब्जी वब्जी तो कहीं से भी आ जाएगी, यहां से नहीं आएगी तो ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे, न्यूजीलैंड से मंगा लेंगे, अमेरिका से मंगा लेंगे, गेहूं का चिंता करनी, बस सड़कें ही बनाए जाओ और फ्लैट बेचे जाओ, जमीने गांव खत्म कर करके खेत खत्म करो, मकान दुकान बनाए जाओ बनाए, पूरे दिल्ली में कहीं खेत ही नहीं, तो आदमी खाएगा क्या, पत्थर खाएगा, सीमेंट खाएगा, ईंट पत्थर खाएगा, नहीं रेडीमेड आएगा, एक महीने पुराना छह महीने पुरानी सब्जी आएगी, खाओ सड़ो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जाके पड़ो। तो यहां पे लिखा है कि देश कैसा होता है, इससे सीखना चाहिए वर्तमान के जितने भी राजनीतिक लोग हैं कि देश का क्या मतलब है, बिना खेत के वो देश ही नहीं है, वो नगर ही नहीं है। पहले सारी व्यवस्था थी, तालाब होने चाहिए, खेत होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, उनके बीच में छोटा सा मकान होना चाहिए, ये लिखा है यहां पर। जिसके चतुर्दिक बाढ़ हो उसे ग्राम समझना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि गांव से गांव, गांव से गांव लगातार लगे हुए हैं, चारों तरफ कुछ बाढ़ होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, एक गांव से दूसरे गांव में थोड़ा मिला हुआ नहीं हो, ये नहीं कि जमीन खरीदी जाओ मकान से मकान, मकान पता ही नहीं चल रहा, सुन पड़ा कब खत्म हुआ, खेड़ी कब शुरू हो गया और कौन सा बनौता पता ही नहीं चल रहा। एक गांव से दूसरे गांव में बाढ़ होनी चाहिए, हम नहीं कह रहे, आदिनाथ भगवान ने उसी टाइम इंद्र को बोला था, इंद्र ने बनाया था ये सिस्टम। जिसके चतुर्दिक कोट बना हो वह नगर होना चाहिए, पुर बोलते हैं उसको, लिखता है ना कानपुर है ना, और कौन कौन से पुर हैं, नागपुर, धामपुर, भरतपुर, ये पुर उसको बोलते थे नगर है ना, ये तब से नाम आते थे, उसे बोलते पुर, यानी कि उसके चारों तरफ कोट, कोट थोड़ा बड़ा होता है कि भाई ज्यादा, अब थोड़ा इंटरफी, एक एरिया बड़ा एरिया हो गया नगर है। नदी एवं पर्वतों के मध्य जो हो वह खेट कहलाता है, बोलते ना खेट कट खट्टन बोलते हैं, हाँ वही सारे नाम आ रहे, सुने पहले इनके मतलब, कभी शानदार रोज पढ़ते हो, पता है कि देश के अंदर ही आता है। हाँ तो ऐसे आते, कैसे आते वो लिखा है व्याख्या सहित, अंडरलाइन कर लेना इसको, लिख लेना, नोट कर लेना। नगर क्या है, जिसके चारों तरफ कोट हो। गांव क्या है, जिसके चारों तरफ बाढ़ हो, बाढ़ लगाते ना खेत की चारों तरफ जैसे बाढ़ लगाई जाती है, और जहां नदियां हो और पर्वत हो, पर्वत और नदियां अच्छा रमणीय स्थान, अरे हिल स्टेशन जा रहे घूमने जा रहे तो उसे क्या बोलते हैं,
खेट, जो चतुर्दिक पर्वतों से घिराओ, बीच में छोटा सा स्थान है और चारों तरफ पर्वत है। जैसे भामेर गए हो आप संकल्प जी, आप गए ना अभिषेक भैया जी, भामेर में क्या है महाराष्ट्र में, चारों तरफ पहाड़ और बीच में वह किला और मंदिर, कितना सुंदर पहाड़ पर नीचे जो लोग रहते हैं। वो क्या कह रहा था, करवट, करवट ले लेते हैं ना अपन थोड़ी सी, यानी कि सब तरफ पहाड़ है और बीच में थोड़ा सा स्थान, उसको क्या बोलते हैं करवट। पंचशतक ग्राम जिसमें लगते हैं उसे कहते हैं मख, जहां 500 गांव हो गए ऐसा स्थान, इस 500 गांव का राजा, 500 गांव का अधिकारी, उसे क्या बोलेंगे मख। मख माने जहां लगभग 500 गांवों का समूह हो गया, छोटे छोटे 500 गांव, तो उसे क्या बोला मख। जिसमें रत्नों की खदानें हों, बहुत रत्न निकलते हों, उसको बोलते हैं पत्तन। क्या बोलते हैं पत्तन, है रत्नपुर, एक जगह है श्रीलंका में रत्नपुर, वहां खूब रत्न निकलते हैं, नीलम के भंडार है बहुत, उसे क्या बोलते हैं पत्तन। माने जहां पर खूब ऐसी जमीन, ऐसे पहाड़ जहां पर खोदने पर रत्न मिलते हैं, रत्न की खदानें निकलती हैं। जो समुद्र के किनारे लगा हुआ हो उसे बोलते हैं द्रोण। द्रोण किसे बोलते हैं, समुद्र के किनारे, द्रोणगिरी है ना एक क्षेत्र अपना समुद्र के पास में, वहां नदी वगैरह कुछ होगी, द्रोणगिरी क्षेत्र, हम तो नहीं गए लेकिन सुना बहुत है उसके बारे में। जैसे कि द्वारका हो गया आपका, बंबई हो गया, गोवा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब चीजें क्या हैं द्रोण हो गए, तमिलनाडु, श्रीलंका, और जो पर्वत के ऊपर है उसे कहते हैं वाहन। वाहन नहीं, वाहन माने तो व्हीकल हो गया, गाड़ी वाड़ी, वाहन, बा का पेट चिरा हुआ है, प फ ब भ वाला वाहन। अब जल्दी से रिवाइज करेंगे फिर आपकी कक्षा का समय हो रहा है, ठीक है जल्दी जल्दी बोलेंगे। ग्राम क्या कहलाता है, जिसके चारों तरफ बाढ़ हो, जैसे खेत पे बाढ़ लगा लेते हैं, और जिसके चारों तरफ कोट हो वो क्या कहलाता है नगर। जो नदी और पर्वतों के बीच है वो कहलाता है खेत। जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा है वो कहलाता है करवट। और जो 500 पंचशतक गांवों जिसमें लगते हो वो कहलाता है मख। और जिसमें रत्नों की खदानें हो खूब सारी उसे कहते हैं पत्तन, पत्तन। और जो समुद्र के किनारे लगता हो उसे कहते हैं द्रोण, और जो पर्वत के ऊपर हो उसे कहते हैं वाहन, है ना। कल भैया जी बोर्ड पे भी लिख देंगे रिवाइज करने के लिए। तो इस प्रकार से यहां पर उन्होंने व्यवस्था करी इंद्र ने आदिनाथ भगवान की आज्ञा से, बहुत सिस्टमेटिक सारे नगर बनाए। क्यों बनाए, क्या कारण था, क्योंकि भाई अब कल्प वृक्ष चले गए हैं, अब लोग काम धंधा करेंगे तो अब आपस में लड़ाई भी हो सकती है, तो इसीलिए अलग अलग लोगों की सीमाएं बांटने के लिए, कि आप किसी का भी खाना जाकर के नहीं छीनेंगे, आपका अपना खेत होगा, अपनी सब्जियां पैदा करो, अपना खाओ, बेचो खाओ, इसलिए अलग अलग सिस्टम कर रहे हैं। पहले तो कोई चोरी चकारी का चक्कर ही नहीं था, कल्प वृक्ष कितना भी दे सकता, कोई भी चला जाए, तो क्यों आदमी लालची बनेगा, क्यों एक दूसरे का छीनेगा। तो ये व्यवस्थाएं आदिनाथ भगवान ने क्यों कराई, क्योंकि समय में काल में परिवर्तन आने वाला है, धीरे धीरे कर करके अब लोगों की सीमाएं बनाई जा रही हैं, कि आप लोग अपनी बाउंड्री में रहो, अपने नगर में रहो, कोर्ट में बना करके रहो, अब दूसरे को जाकर के नहीं छेड़ना है, वो अपने में खुश, तुम अपने में खुश। तो इस प्रकार से नगर की, ग्राम की, पट्टन की, खेत की, मख की, द्रोण की, वाहन की व्यवस्था इंद्र के द्वारा कराई गई, जिससे कि लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह पर रहें। अब क्या है, जैसे भारत वाले लोग ऐसे ही चले जाएंगे पाकिस्तान में कि मेरा है, यहाँ के लोग अपने प्रांतों में तो जा सकते हैं, अपने दिल्ली वाले नोएडा में आ सकते हैं, परंतु अगर ये नोएडा पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, तो बिना पासपोर्ट के चले जाओगे क्या। इसलिए व्यवस्था करी कि यहाँ का वहाँ के लड़ाइयाँ ना हो। ये सब देशों की व्यवस्था
पूरे भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड, ये सारी व्यवस्था पूरे आर्यखंड की, ये सारे देश उसी समय इंद्र ने ही एक तरह से बनाए, बाउंड्री बनाई अलग अलग। तो ऐसी व्यवस्था को आज हमने सीखा समझा, बहुत अन्य उपयोगी हमने भी अन्य ज्ञान भी आज प्राप्त किया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, महाभारत नामक ग्रंथ की, ग्रंथ के अनुवादकर्ता श्री पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, महाराज श्री के आचार्य पद की। आज के दिन आचार्य श्री शांत सागर महाराज का आचार्य पद का महोत्सव है, अभी सुबह हमने मंदिर जी में मनाया। आप सबको आचार्य श्री शांत सागर महाराज के आचार्य पद के दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय दू जड़ंदो जय जिनेन्द्र।